तो सबसे पहले ब्रेकडाउन से चालू करेंगे हम लोग। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रेयर करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रेम से सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप लोग बोर्ड देख पा रहे हैं, पीछे हमारे बोर्ड है, शायद वो थोड़ा ऊपर का नहीं दिख रहा है। बड़ा लिखना होगा। तो बोर्ड दिख रहा आप लोगों को? यस प्रभु जी। बोर्ड में लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा ना? हाँ अभी दिख रहा है, क्रॉस है प्रभु जी। कैमरा? हाँ कैमरा थोड़ा क्रॉस रखा है। ओके कैमरा थोड़ा क्रॉस। ठीक है अभी ठीक है, अभी फिर से क्रॉस हो गया, अभी लेफ्ट हो गया। कोई नहीं, थोड़ा आज हम लोग एडजस्ट करेंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेंगे, जैसे जो हमारे दो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसका रिवीजन लेंगे। तो मैं आप सभी से रिवीजन से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूँ। चलिए पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा है हमें अपना अपना हैंड रेज करके बताइए। हाँ राजेश जी, रजनी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। आज तक सीखा है कि मतलब अपना कर्तव्य अपना हम करना चाहिए, उसका फल का एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ना ठीक है, तो और ये तो आत्मा और शरीर अलग है, और आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, और ओके। हाँ और आत्मा जैसे हमें अरे लिए अन्न है शरीर के लिए, अन्न का पौष्टिक है, ऐसा भगवान नाम आत्मा के लिए पौष्टिक है। हाँ लेकिन मैं ये सब नहीं जानना चाह रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले चैप्टर से लेकर के दूसरे चैप्टर को आप फ्लो में बता पाए, यानी कि पहला चैप्टर में आपने क्या पहला श्लोक से लेकर के 47वें श्लोक तक क्या सीखा आपने, क्या क्या फ्लो है उसका, कैसे भगवद गीता के श्लोक का फ्लो क्या है वो मुझे बताइए। पहला अध्याय में, पहला अध्याय में धृतराष्ट्र जी का शंका था कि दुर्योधन कौरवों ने कहां पे कैसे है और पांडव कैसे है और कहां पे खड़े और क्या बातचीत चल रहा है। ठीक
ठीक है रजनी माता जी, अभी मैं दूसरों को चांस दूंगा। हाँ शिल्पा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस मैम। फिर चैप्टर 1 में अर्जुन के विविध एक्सक्यूजेस, सॉरी थोड़ा इंग्लिश यूज होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्यूजेस आप बोलिए। युद्ध न करने के लिए दिए हैं पूरे चैप्टर में अर्जुन ने। जैसे उनको दया आ रही है, उनको आसक्ति है अपने फैमिली से, उनको डर लग रहा है, एंड अदर्स, सो आई लिव इट फॉर अदर्स। ओके कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम माता जी। हम शुरुआत से हम लोग देखे कि भगवत गीता का विषय वस्तु क्या है, फिर अर्जुन की मतलब युद्ध ना करने की स्थिति क्या है, उसके डाउट्स, और फिर दूसरे में हमने देखा कि भगवान उन्हें बता रहे हैं कि आपको कैसे कर्म करना है, कर्म अकर्म क्या है, आत्मा क्या है, और कैसे हमें मतलब अपने स्थिति को समझना है कि हम ठीक आत्मा है है। थैंक यू अरविंद जी। जो मैं ढूंढ रहा हूं नहीं आ रहा है, मैं ढूंढ रहा हूं कि श्लोक का फ्लो क्या है, पहले श्लोक से लेकर के 10वां श्लोक तक या 11वां श्लोक तक में क्या विषय वस्तु पे बात हो रहा है, 12 श्लोक से 20 श्लोक तक क्या विषय वस्तु पे बात हो रहा है, 21 नंबर श्लोक से 27 से क्या विषय वस्तु के बात हो रहा है, और साथ में जो मेन चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो अर्जुन के 5 जो एक्सक्यूजेस दिए थे अर्जुन ने, वो 5 एक्सक्यूजेस क्या हैं वो मैं ढूंढ रहा हूं। अर्जुन हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। चैप्टर में 1 से 13 तक श्लोकों में जो है वो युद्ध की तैयारी होती है, फिर हाँ, चौदह से एक से 11 तक, चलिए ठीक है। और 14 से 20 तक हमें जो है विजय के चिन्ह देखने को मिलते हैं, जैसे कि दिव्य शंख के बारे में आता है, और वहां पर अर्जुन के रथ पे जो है पताका जो होती है उस पे हनुमान जी का जो अंकित होते हैं उनका चित्र, फिर वेरी उसमें गुड फिर वेरी गुड। 28 से 21 से 27 तक जो है हमें भगवान श्री कृष्ण के भक्त वत्सलता के बारे में पता चलता है, फिर हाँ वाह, 28 से 46 तक हमें जो है हमें अर्जुन की शंकाओं के बारे में पता चलता है, जिसमें पांच हाँ शंका। चलिए वेरी गुड। अभी अरविंद जी आप एक शंका बताएंगे कि अर्जुन के 5 शंकाएं थी, तो उसमें कौन सी एक शंका थी वो बताइए। इसमें दया भोग पाप का भय था। एक बोला था मैंने, एक बस, ठीक है अभी आपने 3 बोल दिया। ठीक है आकाश जी, 2 और को ऐड कीजिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जो यस मतलब पारिवारिक संबंध होते हैं ना, मतलब कि जो अपने लोगों लोगों के साथ मतलब जो वाद विवाद होता है उसके रिगार्डिंग मतलब कि जो प्रश्न थे वो पूछा गया है उसमें, उनको जो हाँ, भय यानी कि लगता है। उन्होंने बोला कि पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, ये चौथा उन्होंने एक्सक्यूज दिया था। पांचवा एक्सक्यूज क्या था? मतलब कि जो मतलब कि युद्ध जो कर रहे हैं मतलब कि उसका मतलब जो एक्चुअल में जो मतलब जो मोटो है ना भगवान का, कि एक्चुअल जो सिद्धांत मतलब भगवान को मतलब कि ये करना है, धर्म की स्थापना करना है नहीं नहीं उसके नहीं अर्जुन का रिगार्डिंग। एक्सक्यूज क्या था, पांचवा एक्सक्यूज वो आप, चलिए ठीक है। प्राची जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्जुन का पांचवा एक्सक्यूज था अनिर्णय था, यानी वो निर्णय हाँ ही वो वेरी नहीं ले गुड, पा रहे थे। यानी हाँ डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इनडिसीजन। ठीक जी, है अभी हम लोग इन 5 एक्सक्यूजेस का खंडन भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में कैसे करते हैं, इसका जवाब अब मैं चाहता हूं कि आप लोग दें। दया का खंडन भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया? पहला, हरिंदर जी आपने हाथ रेज किया था, हरिंदर जी। नहीं प्रभु जी, इसका नहीं पता, वो पता था। ओके ओके ठीक है। प्राची जी बताइए, दया का खंडन किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने किया दूसरे अध्याय में? हरे कृष्ण गुरु जी, दया के खंडन के यस लिए भगवान ने 2.30 में बताया है, अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर किया है। उसमें बताया है कि हाँ भाई जन्म बताइए क्या मृत्यु है वो। सब, उन्होंने बताया है कि जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो शाश्वत है, वो आत्मा, लेकिन आत्मा उससे अलग है, आत्मा उसमें मतलब आत्मा का उससे कोई रोल नहीं है। अगर आत्मा अपने अपने लिए काम करेगी तो वो इससे बाहर आ सकती है। तो पुनर्जन्म जो
दूसरे अध्याय का केवल 13 नंबर श्लोक नहीं है, दूसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक भगवान ने आत्मा का ज्ञान बताया। और उसमें उन्होंने अर्जुन को बताया कि अर्जुन तुम आत्मा नहीं देख पा रहे हो, वास्तविक आत्मा कभी मरती नहीं है, तो तुम जो दया करना चाहिए वो भौतिक दया ना हो करके आध्यात्मिक दया करो। इन विधर्मियों को जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इनको मृत्यु दंड दे करके इनका उद्धार करो, इनको इस प्रकार से आप दया करो। चलिए पहला ये है आंसर, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने खंडन किया। दूसरा खंडन, जो भोग भोग की हानि के लिए जो सोच रहा था अर्जुन, उसका खंडन भगवान ने कैसे किया, आप लोग हैंड रेज करके बताएंगे प्लीज। अभी कौन हैंड रेज कर रखा है? हर्ष, हर्षिल, हर्षिल चौरसिया जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत बोलिए। प्रभु जी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन मतलब जो फिफ्थ आपने जो कहा था ना, जो 5 प्रमुख कारण जो अर्जुन ने दिए थे महाभारत नहीं करने से, तो आई थिंक दया का जो मतलब था कि भगवान कह रहे थे कि दया से आत्मा का कोई संबंध नहीं है मतलब, और दया भी आई थिंक सो ऐसा मुझे लगता है प्रभु जी। आपको लगता है, लेकिन उसमें भौतिक दया, अर्जुन जो दृष्टिकोण था उनका, उनका दृष्टिकोण था कि ये हमारे दादाजी भीष्म पितामह और साथ साथ में गुरुजी, इनको कैसे हम लोग मारे। लेकिन भगवान उनको दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से वही बता रहे हैं कि तुम आत्मा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा कभी नहीं मरता अर्जुन। और साथ साथ में इन लोगों ने, जो पांडव पक्ष के नहीं थे, जो दुर्योधन के पक्ष के थे, सॉरी, तो दुर्योधन के पक्ष के लोग द्रौपदी माता को भरी सभा में उन्होंने गलत हरकत की थी, तो उसके वजह से इन विधर्मियों को दंड देना आवश्यक था, और इसीलिए उनको ये उनको मार करके दया करो तुम, ये बोल रहे हैं भगवान दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक। ठीक है, बाकी अभी हम लोग इसको और आगे, अभी मैं दूसरा प्रश्न जो पूछ रहा हूं कि भोग की हानि नहीं होगी, वो कैसे नहीं हुई वो हमें बताइए, भगवान ने क्या खंडन दिया। प्राची जी। तो जी, भगवान ने दूसरे अध्याय के 31 से 37 श्लोक के अंदर बताया है कि आपको सकाम कर्म करना है, उन्हें सकाम कर्म के बारे में बताया उसने। ये ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, मुझे एग्जैक्ट जवाब चाहिए जो कि दूसरे अध्याय के 37 नंबर श्लोक में है। 37 नंबर श्लोक को आप पढ़िएगा तो उसमें आपको प्राप्त होता है, उसमें भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं तुम्हें हानि नहीं होने वाली अर्जुन, तुम अगर लड़ते लड़ते अपना वीर गति को प्राप्त हो जाते हो तो अर्जुन तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और इन केस तुम जीत जाते हो तो तुम राज तो करोगे ही, तो स्वर्ग या राज्य, ये दो ऑप्शंस भगवान ने देकर के बता दिया कि तुम्हें भोग की हानि नहीं होने वाली है, भोग की हानि के लिए टेंशन ही मत लो। ये दूसरा उन्होंने खंडन किया भगवान श्री कृष्ण ने। तीसरा, जो अर्जुन ने तर्क दिया था कि पाप लगेगा, इतने लोगों को मारने के बाद मुझे पाप लगेगा, तो उसका क्या जवाब है रेणु जी? प्रभु जी, थोड़ा मेरा गला खराब है। भगवान ने ये कहा था कि 6 तरह के जो आतताई हैं, जो उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता, जिन्होंने किसकी भूमि ली है, औरत का अपहरण किया है, और जो और किसी का धन लूटा है और किसी का घर जलाया है, और उन सबके आततियों को कोई पाप नहीं लगता, उनको नष्ट कर देना चाहिए। ये 50% ठीक है, इसका 50% जवाब थोड़ा और चाहिए, कोई और ट्राई करेंगे? मिश्रा शर्मा, मिशा शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्री कृष्णा जी ने कहा कि ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, कृष्णा जी ने कहा पहले ही मर चुके, तो उनको तो सिर्फ उनको तो निमित्त मात्र बनना था अर्जुन जी को। तो हाँ, इसमें अभी आपने 10% ऐड किया, 40% और बच रहा है।
मतलब ये जो पापी मतलब जो शरीर बन गया है ना, मतलब उनके जो कर्म की वजह से, तो ये छोड़ के मतलब उनको नया मतलब जो जीवन मिलेगा, तो वो फिर से मतलब जो जीरो से है ना, मतलब जो स्टार्टिंग से मतलब कि अच्छे कर्म से शुरू कर सकते हैं। नहीं, आकाश जी नहीं, अभी स्मिता जी, स्मिता जी हैं। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय हाँ 2 के 38 श्लोक में श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय किसी का भी कुछ मतलब बिना सोचे तुम मेरे लिए युद्ध करो, मेरे कहने के लिए युद्ध करो, बस ताकि तुम्हें बस, कोई वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग, यही मैं ढूंढ रहा था। भक्ति, भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे लिए करो, मैं बोल रहा हूं इसीलिए तुम करो और तुम्हें पाप नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूं अर्जुन। भगवान भगवान है ना, है? बोल रहे हैं दुख और लाभ हानि का छोड़ दो, दुख सुख का छोड़ दो, तुम जो मैं बोल रहा हूं वो करो, इतने सर, करने मात्र से तुम्हें क्या होगा मैं पाप का। हाँ हर्षिल जी, कुछ बोल रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने मुझे यही कहना था कि भगवान अर्जुन को यही कहते हैं ना कि तू मन मुझ में लगा, कि तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मतलब तू तेरा मन मुझ में लगा और तू युद्ध कर। बस बस, ठीक है ठीक है। चलिए, चौथा चौथा जो कारण दिया था पारिवारिक परंपरा नष्ट होने का, वो कैसे खंडन किया भगवान ने? हाँ, अभी तक कौन ने एक बार भी नहीं बोला है वो बोल सकता है। एक सेकंड, चलिए सबने बोला ही है, अरविंद जी ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ ये सामाजिक वाला जो कारण था उसमें दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान का बताते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया नहीं, जया। ये पाप के डर का जवाब है। ये चौथा पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, अर्जुन ने ये तर्क दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उसका खंडन किया है ये ट्राई कीजिए। मिसा मिश्रा जी, मिसा शर्मा जी, शिल्पा, शिल्पा जी, प्रभु जी, उन्होंने बताया कि कैसे अगर अर्जुन ये नहीं करते तो कुलक्षय होगा और अधर्म से संतानें होगी और स्त्रियों पे, बिकॉज अधर्म अधर्मी विल रूल, स्त्रियों पे अत्याचार होके व्हाट इज अफ्रेड ऑफ विल हैपन, अगर इसलिए उन्हें लड़ना है, चाहिए। लेकिन इसमें, इसको आपने जो बोला ठीक है, लेकिन इसमें जो मैं ऐड कर रहा हूं, मुख्यतः इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम आदर्श बनो। जो तीसरे अध्याय के, अभी हम लोग आगे देखेंगे इन श्लोकों को, तीसरे अध्याय के 21 नंबर श्लोक में देखेंगे कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम आदर्श बनो, ये जो विधर्मी जो लोग हैं इनका, इनको समाप्त कर देने से पारिवारिक परंपरा नष्ट नहीं होगी, क्योंकि तुम आदर्श बनोगे, तुम धर्म को स्थापित करके आदर्श बनोगे। इसको हम लोग तीसरे अध्याय के 21 नंबर श्लोक में देखेंगे, ठीक है। पांचवा, फैसला ना लेने वाला जो जवाब है जो भगवान ने खंडन दिया, वो आप लोग कोई ट्राई करेंगे? वो दूसरे अध्याय के 41 नंबर श्लोक में उसका जवाब दिया है भगवान ने, और उस जवाब ये है कि एकः कुरुनंदना, तुम फोकस्ड होकर के केवल अपने बहुशाखा ही अनंताश्च व्यवसायी को बुद्धि नाम जो श्लोक है, दूसरा अध्याय का 41 नंबर श्लोक, उसमें वो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम पूर्ण भगवान की सेवा पूर्ण विश्वास के साथ करो, ठीक है। तो ये पांच जो अर्जुन ने तर्क दिए थे, उन तर्कों का खंडन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और आज आज जो हम लोग तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, ये तीसरा अध्याय, देखिए गीता जो है ना वो पूरा कनेक्टेड है, पहला श्लोक पहला अध्याय, पहल दूसरा अध्याय, ये कनेक्शन है दोनों में। अभी दूसरे अध्याय से ही तीसरे अध्याय का भी कनेक्शन है, वो कैसे है? तो दूसरे अध्याय के
49 नंबर श्लोक में, दूसरे अध्याय के 49 नंबर श्लोक में भगवान ने जो श्लोक कहा था वो श्लोक इस प्रकार से है। एक सेकंड दीजिएगा। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धयो शरणम अनविक्षया कृपणा फल हेतवः। तो ये जो श्लोक था इसमें अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन कंफ्यूज क्यों हो गया? तो हम जैसे पतित कलियुग के जीवों के लिए वो कंफ्यूज हुआ। नहीं तो हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग ज्यादा कंफ्यूज होते। तो इस श्लोक क्या है? तो हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि भगवान बोल रहे हैं कि गर्हित कर्मों से दूर रहो और मुझे वो युद्ध में लगा रहे हैं। और इसीलिए तीसरा अध्याय का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो हम इन प्रश्नों को लेंगे, इन प्रश्नों को श्लोक को लेंगे। आप लोग भी श्लोक दोहरा सकते हैं पीछे पीछे। बोलिए, अर्जुन वाच। अर्जुन वाच। जयसी चेत कर्मनस्ते। जयसी चेत कर्मनस्ते। मता बुद्धिर्जनार्दन। मता बुद्धिर्जनार्दन। तत्किं कर्मणि घोरे माम। तत्किं कर्मणि घोरे माम। नियोज्यसि केशव। आप लोग को पास, आप लोग के पास गीता है अगर, तो कोई कोई चाहे तो पहला श्लोक का अनुवाद बोल सकते हैं। हाँ, नम्रता जी बोलिए, श्लोक का अनुवाद। शिल्पा जी, आपके पास बुक है? इधर मराठी में है या इंग्लिश? vedabase.com। हिंदी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये 49 श्लोक का? नहीं नहीं, पहला तीसरा अध्याय का एक नंबर श्लोक। नम्रता जी बोलिए आप। ठीक है प्रभु जी, अभी पढ़ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? बढ़िया, ठीक है। तो दूसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। व्यामिश्रेण वाक्येन। बोलिए। व्यामिश्रेण वाक्येन। बुद्धिं मोहयसि इव मे। बुद्धिं मोहयसि इव मे। तद एकं वद निश्चित्य। येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। अभी अरविंद जी बोलिए इसका अनुवाद। आपके व्यामिश्रित अनेका अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। ठीक है, तो ये दो श्लोकों में अर्जुन अपने प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी कर्म योग में टोटल 43 श्लोकाज हैं, तो इन श्लोकाज का ब्रेकडाउन है, वो ब्रेकडाउन हम लोग अभी बोर्ड में लिख लेंगे। ठीक है, तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक में क्या है? तो उसमें अर्जुन को त्याग या कर्म का संदेह है, इसको लिख लेंगे हम लोग, त्याग या कर्म का संदेह। ठीक है, इसमें वो पूछ रहा है कि भगवान मुझे कर्म त्याग देना है कि कर्म करना है,
एकत्वम, एक भगवान अभी अभी जो श्लोक हमने पढ़ा उस श्लोक में एक शब्द है, हरे कृष्ण प्रभु जी, एकम वद निश्चित्या, एक ही बोले भगवान। हाँ आकाश जी, वहां पे आपने त्याग लिखा है कि त्याय लिखा है? एक सेकंड, त्याग लिखा है, त्याग, ये ग होगा, त्याग, ठीक है, ग है। तो इस श्लोक में, दूसरे श्लोक में आप देख पाएंगे कि वो बोल रहे हैं तद एकम वद निश्चित्या, यानी कि निश्चित रूप से भगवान एक बताइए कि मुझे कर्म त्याग करना है कि कर्म करना है। तो ये दो श्लोकों को हमने देखा, अभी हम लोग तीसरे नंबर श्लोक से तक कर्म निष्काम कर्मयोग का कर्मयोग वर्णन है। इसका जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका मैं आप लोग को अभी बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम जाएगा, इसका मैं आप लोग को फोटो दे दूंगा तो आपके गेट पे आ जाएगा वो, तो वहां से लिख लीजिएगा। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं श्लोका का। तो इन दो श्लोकों में प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में तात्पर्य देते हैं, उसमें प्रभुपाद जी विश्लेषण करते हैं कि श्री भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हमारे जैसे जीवात्माओं का किस प्रकार से हम संसार के सभी संदेहों और सभी प्रकार के दुखों से किस प्रकार से उबर सकते हैं, उसका विशद वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार का सबसे बेस्टेस्ट वे जो है, जो सबसे जो बेस्ट वे है वो क्या है, तो बुद्धि योग या फिर कृष्ण भावनामृत, जो दूसरे अध्याय के श्लोकों में भगवान ने वर्णित किया था। तीसरा, कृष्ण भावनामृत आध्यात्मिकता जड़ता नहीं है, जो कि जन सामान्य सोचते हैं। सामान्य लोगों का क्या थिंकिंग होता है, अगर कोई भक्त हो गया तो वो सोचते हैं कि अब ये केवल बैठ करके कहीं पर एक एकांत में बस जप करेगा या फिर ध्यान करेगा इत्यादि इत्यादि, इसका कोई काम समाज में नहीं होगा। जैसे हम लोग भी अभी जैसे साधु बन गए हैं और हम लोग समाज में जब कुछ करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा तर्क होता है, पूछते हैं वो कि बाबा आप लोग ये क्यों कर रहे हैं। तो वास्तविक में सामान्य लोगों का ये कंफ्यूजन, ये कंफ्यूज रहते हैं, और वही वो लोग जब देखते हैं किसी एक बाबा को जो बस ऐसे ही बैठा हुआ है एक स्थान पर, तो उनको झूठी प्रशंसा भी प्राप्त हो जाती है। तो ये भ्रांत धारणा को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनुष्य एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करने चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जाप करना ठीक नहीं है। तो जब तक आप कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं हैं, तब तक बिना प्रशिक्षण के तो भौतिक कार्य नहीं होता, तो आध्यात्मिक कार्य कैसे हम सोच सकते हैं कि बिना प्रशिक्षण के हम उसमें अग्रसर कर सकेंगे। तो इसीलिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, वही प्रभुपाद जी अनुवाद में तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे सामान्य व्यक्ति भगवान का नाम लेकर कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही करते हैं और अपने कर्म फल और कर्तव्यों को छोड़ना चाहते हैं, ऐसी मनोवृत्ति अर्जुन ने भी दिखाई। तो अर्जुन भी चतुराई के साथ सोच रहा था कि मैं कैसे इस युद्ध से अपना जी छुड़ाऊं। तो ये जो है, ये प्रभुपाद जी इसको लिखे हैं, तो ये इसमें उनका मन की जो इच्छा है उसको यहाँ पे प्रदर्शित
किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वास्तविक में अर्जुन जो है भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, नचाओ 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 से मते भजन। जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे और अमेरिका जाते वक्त उनको दो तीन बार उनको हार्ट अटैक आया था, और हार्ट अटैक आने के बाद उन्होंने जो भजन लिखा था उसमें वो लिखते हैं, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, जिस प्रकार की आप जो जिस प्रकार से आप चाहें भगवान आप मुझे उस प्रकार से नचाइए। तो वैसे ही अर्जुन की स्थिति यहाँ पर है। तो अर्जुन का मन भी पूरी तरह से माया में है अभी, इसीलिए वह चतुराई पूर्वक सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से अपना इस युद्ध से जी छुड़ाऊं। तो चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, जैसे जन सामान्य करते हैं। जन सामान्य भी सोचता है कि भाई हम क्या करते हैं, जो धर्म का कार्य है उसमें हमें बाद में कष्ट हो सकता है, हमें शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, फिर पैसे की क्षति भी होगी। अभी जैसे हम लोग अभी आज ही हम लोग यहाँ पर मकर संक्रांति है, और आप सभी को भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोग मकर संक्रांति के दिन तिल खाए और साथ साथ में खुश रहे, आनंदित रहे। तो हम लोग यहाँ पर, हम लोग अभी बोकारो में हैं, बोकारो में नया गुरुकुल प्रारंभ हम लोग दास गदाधर प्रभु और प्रभुपाद की कृपा और भगवान की कृपा से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मकर संक्रांति में यहाँ पर एक दलाही कुंड है, तो वहां पे हम लोग खिचड़ी वितरण का प्रयास कर रहे थे। तो जन सामान्य जो गांव में हमने एक संकीर्तन करके उनसे भिक्षाटन करने का प्रयास किया, तो जन सामान्य सोचती है कि भाई बाबा क्यों ये कर रहे हैं है? और साथ साथ में उनको कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं तो वो दान देते हैं, लेकिन दान देते समय वो लोग, यानी जी छुड़ाने वाले भी लोग हैं इसमें, कुछ लोग होते हैं कि बाबा द्वार पे खड़े हैं तो 10 मिनट हो गया, कोई कुछ देने ही नहीं आया है। तो जी छुड़ाने के लोग, जन सामान्यों के अंदर ये मृत्यु होती है, क्योंकि सब जीव जो है आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे रहते हैं। लेकिन भगवान के जो एकनिष्ठ भक्त हैं, भगवान के जो अर्जुन जी, वो एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात कृष्ण से पूछ लिया। एकनिष्ठ शिष्य जब उन्होंने शरणागति कर दी थी दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में, तो वहां पर वह भगवान के एकनिष्ठ शिष्य थे, और इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न कन्फ्यूजन को पूछा। और उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्य विधि, तो इस कर्मयोग के चैप्टर को हम लोग सर्वोत्तम कार्य विधि भी बोल सकते हैं। इसको प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में वर्णित किया है, इसको सर्वोत्तम कार्य विधि का उपदेश किया। तो ये पहले श्लोक का जो तात्पर्य था उसमें इन सब चीजों को भगवान के जो प्रभुपाद जी उन्होंने विश्लेषित किया। दूसरा श्लोक में हम देखते हैं कि भगवत गीता के उपक्रम में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग, नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया। तो इसके पहले वाले जो अध्याय में प्रभुपाद जी दूसरे श्लोक में तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान ने दूसरा में ना सारा का सारा जितना गीता में बताए हैं सब ज्ञान दूसरे अध्याय में ही दे दिया। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस दूसरे अध्याय का नाम गीता का सार लिखा है। तो गीता का सार वास्तव में अगर अर्जुन हमारे जैसे जो हम कलयुग के जीवों के लिए कल्याण के लिए नहीं सोचते तो दूसरे अध्याय में ही गीता समाप्त हो जाती। क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में ही सारा ज्ञान बता दिया है। गीता का जो भी कंटेंट्स है सारा कंटेंट्स दूसरे अध्याय में है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य बता दिया, साथ साथ में बुद्धि योग या भक्ति योग दोनों बता दिया, बुद्धि के द्वारा इंद्रिय निग्रह कैसे करें है? जैसे आप लोगों ने वो कछुए वाला श्लोक पढ़ा ही होगा, तो किस प्रकार से कछुआ अपनी जैसे ही वो देखता है कि विषम परिस्थिति है तो अपने सारे अंगों को वह समेट लेता है।
तो उसी प्रकार से किस प्रकार से कृष्ण भक्तों को कैसे अपनी इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए ये भी आप लोगों ने सीखा होगा। तो ये भी बताया है भगवान ने, निष्काम कर्म योग भी बताया है भगवान ने दूसरे में, और नव दीक्षित जो लोग हैं, यानी कि जो नए डिवोटीज हैं एकदम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनकी भी स्थिति इन दूसरे अध्याय में वर्णित हुई है। तो इन इतने सारे जब बहुत सारा ज्ञान भगवान ने दे दिया, तो इसीलिए अर्जुन ने इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट करने के लिए पूछा कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता या सक्रिय सेवा। तो अर्जुन ने इसीलिए पूछा कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है कि एक स्थान पे बस बैठ करके हम बस नाम जप करते रह जाएं, ये है कि सक्रिय सेवा है। तो वास्तव में नव दीक्षित जो नए भक्त होते हैं बिना प्रशिक्षण के, उनको आदेश नहीं किया जाता कि आप जाकर के एकांत स्थान में जप करने बैठ जाइए, क्योंकि ये हमने प्रभुपाद के शिष्यों का भी देखा है। एक प्रभुपाद के शिष्य थे, वो बार बार प्रभुपाद जी के पास जाकर के बोलते थे कि मैं बहुत सारा नाम जप करना चाहता हूँ। तो बहुत बार वो गए, प्रभुपाद उनको बोल देते थे, किसी ना किसी सेवा में लगा देते थे, फिर भी वो प्रभुपाद जी के पास पहुंच जाते थे। तो उन्होंने लास्ट में उनको वो फिर चले गए, लास्ट में चले गए अपना जप करने के लिए। बहुत दिन के बाद किसी भक्त ने प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद जी वो भक्त तो अब भक्ति भी छोड़ दिए। तो एकांत स्थान में कृष्ण का नाम जपना इतना सरल नहीं है। बहुत सारे सांसारिक आदमी, जैसे कि हमारे पिताश्री या भाई और साथ साथ में हमारे कुछ मित्र गण भी, लोग क्या बोलते हैं कि तुम बाबा इसीलिए बन गए, तुम सब चीज छोड़ इसीलिए दिए क्योंकि फ्री में खाने को मिल जाता है। तो हम उनसे यही प्रश्न पूछते हैं और उनको यही बोलते हैं कि ठीक है ऐसा है तो आप भी एक बार बन के बताओ, इतनी सरलता है तो थोड़ा सरल होके बताओ, क्योंकि आजकल अभी के युग में सरल होना ही कठिन हो गया है। तो अर्जुन किस प्रकार से हम सरल हो उसको भी सिखाते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर श्लोक लेंगे हम लोग, आप लोग साथ में दोहराइएगा, बोलिएगा। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया कर्म योगेन योगिनां। तो अनुवाद कोई पढ़ेंगे जी? मैं पढूं? हाँ रेनू पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें नंबर श्लोक यानी कि 2.39 में पहले ही वर्णित कर दिया है ये जो इस श्लोक में बोल रहे हैं। 2.39 में इसको बोल दिया था, ऐसा जो श्लोक है उसमें बोल दिया था, और उसी का विशद वर्णन ऐसा ते अभिहिता सांखे इस श्लोक को बोल दिया है और पहले ही बता दिया था कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। अब इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो प्रकार के जो लोग हैं, एक होते हैं ज्ञान योगी, दूसरे होते हैं भक्तिमय सेवा, ठीक है, भक्तिमय सेवा करने वाले भक्त, और इसको ज्ञान योग को सांख्य भी कहा गया है। ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहा गया है और भक्तिमय सेवा को ही कर्म योग कहा गया है।
तो ज्ञान योग में व्यक्ति क्या करता है, तो लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि ज्ञान योग में आत्मा तथा पदार्थ का विश्लेषण बुद्धि के द्वारा व्यक्ति करता है, और भक्तिमय सेवा में क्या करता है, तो वह दूसरे अध्याय का 61 नंबर श्लोक जो है उसको बताते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, अपनी सारी इंद्रियों को सही संयमित करते हुए वह युक्त आसीत मत्परः, मत्परः मतलब भगवान बोल रहे हैं कि वह मुझ पे आश्रित रहता है और मुझ मेरी सेवा करता है, और इस प्रकार से वह भक्तिमय सेवा करता है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक जो स्टोरी है महाराज अमरीश और दुर्वासा मुनि का, उसको वर्णित किया है। तो उसमें वो स्टोरी क्या है, तो बड़ा सिंपल सा स्टोरी है कि महाराज अमरीश जो है वो गृहस्थ है, वो गृहस्थ धर्म में है, और महाराज अमरीश एक राजा है, और दुर्वासा मुनि जो है वह क्रोधित, यानी कि स्वयं जो शंकर भगवान के यानी कि क्रोध के अवतार हैं। तो इन दोनों का स्टोरी क्या है, सिंपल सा स्टोरी था कि वह द्वादशी के दिन राजा अमरीश जो है द्वादशी के दिन व्रत खोलने का समय उनका बीता जा रहा था, और दुर्वासा मुनि पहुंच नहीं पाए उतना समय तक, तो वो वेट कर रहे थे दुर्वासा मुनि का। लेकिन जैसे जैसे होता ना हमारा द्वादशी के दिन टाइमिंग होता है कि 6:45 से लेकर के 10:15 तक आप व्रत खोल सकते हैं, उसके बाद अगर आप व्रत खोलिएगा तो व्रत टूट जाता है। तो वैसे ही टाइम बीत रहा था, तो अमरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि के आने से पहले ही वो व्रत खोलने के लिए अन्न ग्रहण कर लिया। अब जैसे ही टाइम बीता तब दुर्वासा मुनि प्रकट हुए, और प्रकट होते ही आए वो पूरी तरह से क्रोधित हो गए, और उन्होंने अमरीश महाराज को श्राप दे दिया, और साथ साथ में एक बहुत बड़ा राक्षस उनके पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये कृत्य हुआ तो वैसे ही भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, जगन्नाथ जी का जो सुदर्शन चक्र है, कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है, वह प्रकट होके आ गया, उस राक्षस का भी विनाश हो गया, और साथ साथ में दुर्वासा मुनि के पीछे वह सुदर्शन चक्र उनको पीछा करने लगा। अब दुर्वासा मुनि दौड़ रहे हैं और सुदर्शन उनके पीछे पीछे जा रहा है। वह सबसे पहले शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने बोल दिया नहीं नहीं मेरे पास नहीं जाइए, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले नहीं नहीं भाई मेरे पास नहीं चलिए, अब ऊपर जाना होगा, भगवान विष्णु के पास जाना होगा। तो सब कोई विष्णु जी के पास गए, विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु बोले देखो सुदर्शन मेरे रोके पे भी नहीं रुकता है, मेरे रोकने से नहीं रुकेगा, ये जिनके प्रति इन्होंने अपराध किया है उन्हीं से इनको बोलना पड़ेगा। तब फिर ये लोग फिर से अमरीश जी के पास पहुंचे, राजा अमरीश के पास है? और उनसे जाकर के फिर उन्होंने बोला कि अरे नहीं हमें रोको बचाओ। तो महाराज ने राजा अमरीश ने बोला नहीं नहीं हम तो बिल्कुल अपराध नहीं लिए थे। तो उन्होंने जब अपराध नहीं लिया ऐसा बोला तब जाकर के सुदर्शन चक्र रुके और वो वापस भगवान के पास गए। तो सुदर्शन जी हैं वो भक्तों के रक्षक हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टोरी को वर्णित किया, और ये श्लोक है उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी श्लोक लिखते हैं, सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मार्जन हरि मंदिर मार्जने आदिसु। तो इस श्लोक में किस प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को भक्तिमय सेवा, बड़ा सरल है और सरलता ही कठिन हो गया है कलयुग में, बहुत सरलता के साथ हमें अपनी सारी इंद्रियां जो है वह हमें भगवान की सेवा में लगाना है, और जैसे ही हम उसे संलग्न करते हैं भगवान की सेवा में तो हमारी इंद्रियां विमल हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि
ज्ञान योग में हमें सांख्य के द्वारा इंद्रियों को विमल करना होता है, जो कि बहुत कठिन है और कलयुग में सामान्य जनों के लिए यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सबसे सरल उपाय जो है वह भक्तिमय सेवा है। इसके माध्यम से सेवा करते करते ही हमारी इंद्रियां विमल होने लगती है, जो कि हम लोग मनुष्यों का जीवन का लक्ष्य होता है कि हम अपना चेतना का विकास करें। और इंद्रियों को शुद्ध करना ही, इंद्रियों को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, बुद्धि को शुद्ध करना, ये जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक ये अध्यात्म का ज्ञान प्रवेश ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने तीसरा नंबर श्लोक देख लिया। चौथा नंबर श्लोक हम लोग बोलेंगे, ना कर्मणाम अनारंभात, बोलिए, नैष्कर्यं पुरुषाश्नुते न च संन्यासनादैव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं। ठीक है, अनुवाद कोई पढ़ेंगे? ना तो कर्म से विमुक्त होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। तो आप कर्म से विमुख होकर कर्म से छुटकारा नहीं पा सकते है? अगर हम केवल ऐसा ढोंग करने के लिए लाल कपड़ा पहन ले या साधु बन जाए तो आपका जन्म मृत्यु का चक्र जो है वह समाप्त नहीं होगा। या फिर पूरी तरह से हम सन्यास ले ले तो हमें सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्ति करने के लिए हमें तपस्या करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज जो पहले इसके पहले वाले श्लोक में जो तात्पर्य में कुछ और पॉइंट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मिस हो गया, तो उसमें क्या था कि ज्ञान योग और जो कर्म योग है ये दोनों धर्म और दर्शन पर आश्रित है। ठीक है, इसको आप लोग जब मैं भेजूंगा तो वो देख लीजिएगा। तो नोट्स, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों धर्म और दर्शन पर आश्रित है। क्योंकि क्यों? तो फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अगर कोई भी धर्म जिसका कोई दर्शन नहीं हो तो वह बस एक मेंटल कॉक्शन है, मेंटल स्पेकुलेशन है। और रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट या फिर फैनेटिज्म। अगर हम केवल दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है, ये प्रभुपाद जी अपने अनुवाद तात्पर्य में बताते हैं। ठीक है, और ये जो हमने चौथा नंबर श्लोक देखा उसमें हम देख रहे हैं कि कर्म से अगर हम विमुख होते हैं तो जन्म मृत्यु से चक्र नहीं पार नहीं कर पाएंगे। और इसमें ज्ञानियों का मत प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि ज्ञानी कहते हैं कि संन्यास ग्रहण अगर हम कर लिए और सकाम कर्म से विरत हो गए, यानी कि अब हम केवल निष्काम कर्म कर रहे हैं और संन्यास ग्रहण कर लिए तो हम नारायण समान हो गए। तो बोलते हैं कि आप नारायण बन गए हैं अगर संन्यास ले लिए आप और साथ साथ आप अगर सकाम कर्म को त्याग दिए पूरी तरह से तो आप नारायण हो गए। लेकिन ये भगवान का मत नहीं है। कृष्ण का मत क्या है? तो स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान का है कि नियत कर्मों को त्याग करके भी अगर कोई नियत कर्मों को त्याग करके भी भक्तिमय सेवा करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये भक्ति का शक्ति है, ये भक्ति का पावर है। इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर हम लोग श्लोक ले लेंगे। ना ही कश्चित् क्षणमपि, ना ही कश्चित् क्षणमपि,
जातु तिष्ठत कर्म कृत कार्यते हि वतः कर्म सर्वः प्रकृतिर् चैर्गुणैः सर्वः प्रकृतिर् ठीक है अनुवाद पढ़ेंगे प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता हरे कृष्णा। तो ये संसार जो है ना ये संसार मान लीजिए ये ब्रह्मांड है जो आप लोग कॉस्मोलॉजी प्रभु जो प्रभु अपने दास गदाधर प्रभु पढ़ाए हैं तो कॉस्मोलॉजी में जो उन्होंने बताया है ओरिजिन ऑफ क्रिएशन इत्यादि और उसमें जो कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का बताया है तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है आपके तीन गुणों से संचालित होता है सतोगुण तव रजस तमस सतो रजो और तमो ठीक है। तो जिस प्रकार से नदी प्रवाहित होती है जैसे नदी बहती है तो एक अगर तैराक उसमें कूदता है तो नदी जिधर बह रही है उधर तैरना उसके लिए बड़ा सरल हो जाता है। तो ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण उस नदी की तरह ही है जो कि बह रही है और माया का जो प्रभाव है हमारे ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर वह प्रभाव नदी का जो वास्तविक जो जिस दिशा में बह रही है उसी में इस तीन गुणों का प्रभाव है ठीक है। तो उस तीन गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी आदमी छोटी सी चींटी से लेकर के बड़े ब्रह्मा जी तक कर्म किए बिना नहीं रह सकते हा? अगर कर्म नहीं करेगा तो शरीर का पोषण कैसे होगा। और इसीलिए लिखते हैं कि आत्मा का स्वभाव सदा सक्रिय और प्रभुपाद जी अनुवाद में तात्पर्य में लिखते हैं कि आत्मा का स्वभाव है आत्मा तो जब तक है शरीर में तभी सक्रिय है यह शरीर जैसे ही आत्मा निकल जाता है तो यह शरीर समाप्त हो जाता है। तो आत्मा स्वभाव से ही सक्रिय है अतः कर्म तो होगा ही। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो अगर आप कृष्ण भावनामृत नहीं करोगे तो नदी जिधर बह रही है माया जिस तरफ ले जाना चाहती है वो ऑटोमेटिक जैसे कंप्यूटर में होता है ना डिफॉल्ट सिस्टम आपने अगर कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो डिफॉल्ट हो जाता है। तो माया का जो प्रभाव है हमारे मन में दूसरों का किस प्रकार से दूसरों से ईर्ष्या करना है, है दूसरों का किस प्रकार से अपने लिए यूटिलाइज करना है, है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को किस प्रकार से यूटिलाइज कर ले इसका दिमाग हमारा बहुत तगड़ा चलता है। दूसरों को देख के हम जले कैसे वो भी चलता है। अच्छा तुमने ये इतना कमा रहे हो तुम ओ है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये जो छह दुश्मन हैं वो ऑटोमेटिक हमें इस जैन जो नदी है वो हमें उस नदी में बहा के लेके जाने वाली है। लेकिन जब हम कलयुग में विशेषतः भगवान का नाम जप भगवान की यह जो वाणी है भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हमें इस नदी के उल्टे दिशा में जाना होता है। समझ पा रहे हैं आप नॉर्मल नदी में तैर पाना उल्टे दिशा में कितना कठिन होता है सोचिए आप। वही चीज हमें करना है इस संसार में भक्ति करना सरल तो है ही लेकिन सरल होना कठिन है। अगर आप सरल हो गए तो भगवान आपको इस उल्टी बहती हुई नदी से खींच लेंगे। साधुगण कहते हैं कि यह संसार अब जैसे आपने कॉस्मोलॉजी में पढ़ी लिया है कि संसार कितना बड़ा है उस सारे संसार को पार करना इतना आसान नहीं है लेकिन आप अगर सरल हो गए और भगवान को समर्पित हो गए तो भगवान
गाय के पैर का जो खुर होता है उतना छोटा सा स्थान, केवल आपको उतना छोटा सा स्थान पार करके आप भगवत धाम में प्रवेश प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसीलिए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो, नहीं तो फिर वो तो डिफॉल्ट सिस्टम लगा ही हुआ है, माया द्वारा शासित कार्यों में आप प्रवृत्त हो जाएंगे, आप दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, दूसरे से क्रोध करेंगे, दूसरे से लाभ की इच्छा रखेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो आज हम लोग एक और चीज इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंध का 5वां अध्याय का 17 नंबर श्लोक भी वर्णित किया है, तक्त्वा स्वधर्मम स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजनोपक्वाथा पतते तो यदि। ठीक है, कृष्ण भावनामृत अंगीकार करना सर्व कल्याणमय है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कार्य ना करे, शास्त्र में कहा कार्य ना करे, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र में किया कहा गया कार्य भी ना करे, ठीक से भक्ति भी ना करे, चाहे पतित हो जाए तो भी उसकी कोई हानि नहीं। अगर कोई व्यक्ति है जो कि भगवान को शरणागत है और शरणागत होकर के भी वह शास्त्र के कुछ अनुमोदित कार्यों को नहीं कर रहा है और भक्ति भी अच्छे से नहीं हो रही है उससे, चाहे वह पतित भी हो जाए तो भी कोई हानि नहीं, क्योंकि भगवान उसको एक बार जिसको एक्सेप्ट कर लिए ना भगवान, फिर उसको छोड़ते नहीं। और वही कोई शास्त्र सम्मत कार्य करे और कृष्ण भावनामृत ना हो तो सब कार्य उसके लिए कोई लाभ के नहीं। ये चीज प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं। तो आज हम लोग इतना ही से देखेंगे क्योंकि 1 बज गया है। हरे कृष्णा। आप लोग का कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ, एक एक करके। DN से नाम किनका है? हरे कृष्णा, DN से किनका नाम है वो पूछ सकते हैं आप। एक सेकंड, मैं देखता हूँ ये DN से कौन है। हाँ, दयानंद देव जी। अच्छा, अभी हट गए। कावेरी जी, कावेरी जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी। रेनु, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आज का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ही लीजिएगा हमारा भगवत गीता का क्लास, रियल में बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और रियली प्रभु जी, वेरी नाइस सेशन। अरे ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। ये सब हमारे दास गदाधर प्रभु और प्रभुपाद जी की कृपा से है, तो उनको धन्यवाद दीजिए। ठीक है, अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्लास बहुत अच्छा था। एक प्रश्न है प्रभु जी, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय का जो अभी लिंक बताए थे कि क्या लिंक है, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय का लिंक यह है कि अर्जुन जो है वह दूसरा अध्याय का 49 नंबर श्लोक में जो भगवान ने दूरेन ही हवरम कृष्ण, यानी कि जो श्लोक है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। दूसरा अध्याय का 39 नंबर श्लोक, है, उसमें बोल रहे हैं दूरेन ही वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। ठीक है, तो गर्हित कर्मों से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पर जन सामान्य को प्रस्तुत कर रहा है, वह कह रहा है कि भगवान आप बोल रहे हैं कि गर्हित कर्मों से दूर रहो और आप बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों को मार दूं मैं,
यानी कि भगवान ही कह रहे हैं कि गर्हित कर्मों से दूर रहो और भगवान ही कह रहे हैं कि मार दो। तो अर्जुन ये कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाह रहा है कि मारना जो है ये गर्हित कर्म है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए वो पूछ रहा था क्योंकि वह चाहता था छोड़ना और भगवान कह रहे थे मारना। तो गर्हित कर्म मारना नहीं है, ये चीज अर्जुन का क्लियर इस अध्याय के बाद होगा। तो आप समझ पाए अरविंद जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ समझ में आ गया, दंड प्रणाम। ठीक है, तो आकाश जी आपका प्रश्न बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो मतलब कि अभी मेरे पास जो है ना, मैं जो मतलब संस्कृत प्लस जो देवनागरी मराठी में है, ज्ञानेश्वरी से मैं पढ़ता हूँ, श्री ज्ञानेश्वरी जो है ना। ओके। तो आप जो मतलब पढ़ाते है ना, मतलब जो हिंदी टेक्स्ट में जो, तो हमें भेज सकते है क्या मतलब? हाँ हाँ, मैं आपको हिंदी टेक्स्ट भेज दूंगा। यहाँ पर हमारे जो गेट के, आप लोग गेट से कनेक्टेड हैं, तो उसमें हिंदी भगवत गीता हम लोग आपको भेज देंगे। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप प्रेफर करना चाहें वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, हिंदी प्रभु जी। ओके, हिंदी भेज देंगे। दोनों ही भेज दो। नेक्स्ट। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट नेक्स्ट एक माता जी है, स्मिता, स्मिता काजले माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने जो रिवीजन लिया ना, उसमें पाप का जो एक्सक्यूज दिया है उसके खंडन के लिए एक श्लोक बताया 2.38, तो 2.47 भी एप्लीकेबल है क्या? मतलब yes, yes, हाँ, उसमें केवल एक श्लोक नहीं है। आप उसको जो श्लोक है मैं आपको भेजूंगा ना, तो उसमें आपको सब दिख जाएगा। देखिए 38 भी है, 40 भी है, 47 भी है, 48 भी है, 49 भी है, 50 भी है, 51 भी है। यस प्रभु, वही मतलब वो पर्पस लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा कि एक ही है या एक से ज्यादा है। यस ठीक ठीक, प्रणाम प्रभु जी। शिल्पा जी हैं कि SH से जिनका नाम है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरा नाम नहीं आता, प्रॉब्लम ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी सरल बताया कि हम यहाँ पे सरल सरल रहकर हम यहाँ से निकल सकते हैं, तो सर इस सरल की परिभाषा क्या होगी माया में? सरल की परिभाषा इतनी सी है कि भगवान भगवत गीता में जिस प्रकार से बता रहे हैं उन बातों को स्वीकार कर लिए और हम भगवान को शरणागत होकर के कर्म करें बस। यानी कि भगवान को हम शरणागत हो गए, यही सरलता है। हम अपनी जटिलताओं को छोड़ करके हम इस दृष्टिकोण में रह सके कि भगवान ने हमें इतना सुंदर सृष्टि दिया है, सूर्य चंद्र और इतने सुंदर जो तारे हैं, इतना सुंदर प्रकृति है, पेड़ पौधे नदी पहाड़ इत्यादि, इतना सुंदर ये सब भगवान क्रिएट किया है। तो ये क्रिएशन करने वाले भगवान हैं, ये हमारा इतना सुव्यवस्थित शरीर जो हमें दिया है भगवान ने, हमें इतने अंग प्रत्यंग सब प्रॉपर दिए हैं, ये देने वाले के प्रति हम समर्पित होकर के जो उन्होंने दिया है उसका उपयोग हम उनकी सेवा में करें, यही सरलता है। और इसी चीज को 24 घंटा करना है ये कठिनाई है तो इसको सरलता से कर आप देखेंगे 12वें अध्याय में बोलेंगे कि अभ्यासेन च वैराग्येन, वैराग्य और अभ्यास से आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अभ्यास करते रहिए और साथ साथ में आप वैराग्य का भी धारण करते रहिए, तो इससे आप सरल हो पाएंगे। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ अरविंद जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास रहा प्रभु जी, लेकिन एक बार सुनने से सब कुछ समझ में नहीं आती है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल पाए नंबर वन। नंबर टू प्रभु जी, और प्रभु जी भी जो आते हैं अच्छा समझाते हैं, बल्कि आपके समझाने का तरीका कुछ अलग रहा, तो आपको एसोसिएशन कर पाए, आप अपना नंबर बोर्ड पे लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता प्रभु जी। ठीक है वो मिल जाएगा जी, के नंबर से मिल जाए जी प्रभु जी। आप अपना नाम लिख दे प्रभु, एटलीस्ट
ठीक है, नाम नाम भी आपको बता दिया जाएगा, विजय दास नाम हुआ मेरा। ठीक है, और आपका नेक्स्ट कोई प्रश्न है अरविंद जी आपका? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। और नेक्स्ट ये कौन है? हर्षल जी हैं क्या, आप पूछ सकते हैं प्रश्न? नाम नहीं दिख रहा मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ पूछिए। अभी माता जी पूछी ना कि शरणागति का, तो हम बोले कि शरणागति 24 घंटे रहने का मतलब क्या, हमको क्या हमेशा मतलब मन में भगवान का चिंतन होना, क्या वही है शरणागति? हाँ, सोते समय भी आपको भगवान स्मरण होने चाहिए। ये इतना सरल नहीं है, हम भी नहीं कर पा रहे, हम भी प्रैक्टिस में ही लगे हुए। प्रैक्टिस करिए, इसका अभ्यास करना होता है। हाँ हाँ, अभ्यास करने से होगा। अच्छा, चीज आप बताए ना, हम लोग के जो क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या क्या है, क्या माता जी प्रश्न आप क्लियर पूछिए फिर से एक बार। आप बोले ना कि हम हमारे 6 दुश्मन हैं पांचवा श्लोक में। हाँ, 6 दुश्मन हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य। मद है आपका घमंड और मत्सर्य है ईर्षा, ये 6 हमारे दुश्मन है। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये SH से जिनका नाम है, शिल्पा जी, शिल्पा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, सैली सैली, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कुछ? नहीं प्रभु जी, मैंने अभी लास्ट टाइम पूछ लिया था, बस कोई प्रश्न था। धन्यवाद। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। नोट्स भी भेज दीजिए प्रभु जी साथ में। ओके ओके, नोट्स भेज देंगे आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, पांच प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपने रिविजन लिया?